भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्नेक मैन हरियाणा में। और भाई पहुँचे हैं करनाल, और भाई कोबरा देखा था कई दिन पहला, 5 दिन पहला बता रहे हैं, और आज फिर देख लिया। कितने दिन पहले देखा था जी? 4-5 दिन पहले देखा था जी। और दोबारा आज फिर देखा? आज फिर देखा जी। इसमें तेल गड़ा, इसमें फिर पड़ गया भाई। सामने देखो आप, टॉयलेट सीट लगी है, नीचे फरस है, फरस दरवाजे के आगे खोखला जगह है, नीचे पोली है, मिट्टी बैठ गई। क्या होया, शायद पानी मरिया हो, तो यहाँ सांप बता रहे हैं। और फोन आपने ही करा था? क्या नाम आपका? पवन कुमार। और पहुंचे हैं करनाल बसंत विहार, और गली नंबर चलो पेट्रोल पंप के सामने। और भाई हम तो कह रहे थे उरा आगे मिट्टी लगा के इसमें पानी भर लिया निकला हुआ, पर अंकल ने बोले यार ना निकला फिर भी तोड़ना पड़ेगा, तो हम तोड़े दो। बिल्कुल है ना, तो ये तो वैसे ही खोखरा हो रहा है। और भाई देखा कितनी बार में सांप निकला होगा, और स्पीड तक काम करांगे। और भाई सुखदेव गंती और लिया बच कर। और भाई दोस्तों सांप दिख चुका है, सांप दिख तो जरूर गया पर पसीने काट दिए भाई, और गर्मी का भी गना। एक बार पहला दिखा दूँ, आजा भाई वो देखो कोबरा ही है। ये अंकल तो नाटे था, बड़ी बैटरी ले सर दी ला बाज का गाड़ी में आया क्या था नहीं। और भाई है नाग, मैं दूर तक पहचान गया हूँ। और वो भाई तो कहा था कोबरा ही है, पर यूं अंकल का था ना यार, मैं खुद तो मैं ऐसे सांप बहुत ही देखूं। और भाई थोड़ा सा सरक गया, अंदर जा लिया, थोड़ा सा सरक गया, खाली है जगह अंदर। अच्छा खाली है, जगह दोस्तों भाई खतरनाक, क्योंकि भाई बेरन लगता इस जगह है, सांप ही उड़ता निकल कर टॉयलेट सीट में भी बैठ सके था, और कोई बच्चा आवे बड़ा आवे तो काट लेंदा, और सांप है कोबरा। भाई नू कहा सीटें तोड़ दो भाई, मार पैन निकल दी दूसरी ला लियो। हाँ बताइए, इतनी महंगी सीट है, जूम पर ना रखा, जूम पर था जूम भाई। और भाई दोस्तों भाई जमा नज़दीक पहुंच गया सांप के कोने में, देखा था फिर मन लगे था हाथ डालूंगा तो मुंह नज़दीक था, पकड़ तो उड़ा भी सकूं था पर मुंह नज़दीक था, एकदम बीच में था पकड़ूँ तो दस्ताने पर काट जिंदा। और कोबरा सांप है, थोड़ा सा मुँह दूर होना चाहिए पूछते जब पकड़ा है, नहीं तो वह बात है भाई अपनी जान की सेफ्टी भी जरूरी है, नहीं तो अगला नुका का भाई मेरा सांप पकड़ना था, मेरा ही काट गया उसका है ना। और भाई दोबारा फिर कोबरा दिख गया, एक बार गायब हो गया था, और फिर भाई बड़ा फुर्तीला कोबरा है, और चकमा देने में भी माहिर है। और मैं अपना दिखा दूँ लस्कारे लागे जो मैं कून में शामी और रीबका, तो भाई ने बड़ी फुर्ती से पकड़े लिया। ये देखो ये रे भाई, ये अपने आप ही बाहर आवे, और आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं फिर छेड़ांगे तो मनमान आगे फिर कोई सुराख हो और फिर बढ़ जाएगा। और भाई आने लग रहा है, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, जा। और आगे चला गया था, अरे अब की बार तो इसने लो जी चलियो। और 5 दिन हो क्या भाई यू, और लोग नु कहा भाई सांप एक जगह नहीं रहते, सांप तो चलते फिर दे रहा है लोग यूँ कहें, लेकिन सांप भाई चलते फिर दे नहीं, सांप का तो दुश्मन आदमी भी है।
ले कपड़ा ले भाई। जे सांप चला फिर तो सांप ने लोग मार देंदे। और इसने डाला भाई। और भाई भाई बोलना नहीं बीच में, कोई से नहीं बोलना, एक जानकारी की बात बताऊं मैं। और दोस्तों भाई मैं इन्हें डाल दूँ, और जानकारी ये है फिर भाई नु कहेंगे कि भाई पहला सांप ने डाल दिया अगर फिर जानकारी दिया। अगर एक केस मिला कल मैंने सालवन का, उसके थोड़ी सी पैर में दिक्कत थी और वो झाड़ा लगाने चला गया, झाड़ा लगवाने चला गया पानीपत साइड उगराखेड़ी। और उसने कह दिया भाई तने सिर्फ मिठे गला रोटी खानी है, तेरा तो सांप काट रहा, तेरा तो कीड़े ने मूला रखा। और वो था जी शुगर पेशेंट, 500 उसकी शुगर पहले आई थी, मिठे गला रोटी खाई 700 की, और वो बंदा सीरियस हो गया घर आए। बाद में मना पता चला जब जब उसने हॉस्पिटल में ले गए ठहर, जब उसकी जान बची। और जो अगले टाइम और मिठे गला रोटी खा लेता तो टपक गया था। हमारे देश में जो सांप के काटे आदमी ने मारा है ना, ये जो बिना गुरु की वैद बैठे नहीं गामा में, ये मारा है। कोई कह दे नीम के पानी में धो ले, कोई कह दे भाई पत्ते बांध ले। और गाने तो इसे हैं, पहला एक प्रथा थी सांप काट गया ब्लेड मार का चूसना है, जहर जहर चूसने वाला होया करता एक गांव में, चाहे तो घी मंगा करता, घी पी का घी की घूंट भर का चूसया करता, और कह दारू की बोतल जब जहर चूसया करे था। और भाई एक गुण ये दिन तो ही मामला चलिया, तीन गोली दिया करते इच्छा बेदी की, उसका जलाब लाग गई थी जमाल घोटा कहें जिसने, आदमी बच गया तो कहने थे भाई दवाई ना काम कर दिया। उसते क्या हुआ था कि उसते उल्टी दस्त लाग गए थे उस दवाई लेते, जिसका उल्टी लग गई तो कह देते भाई जहर बहर निकल गया और आदमी बच गया। और जब फिर भी भाई बोलो ना बीच में, और अगर वह दवाई ले तो अभी कोई मर गया फिर नुका देते भाई दवाई भीतर नहीं खापी उल्टी आएगी, जाता मर गया ही तो दवाई भीतर खापनी चाहिए थी। और किसी का उल्टी नहीं आई फिर भी मर गया, फिर कह देते अग भाई ये तो उल्टी को नहीं लगी जहर नहीं निकल गया जाता मर गया। यानी कि भाई सांप के काटे का तो एक इलाज है, आके सांप काटा तो हॉस्पिटल में जाओ, इंजेक्शन हुआ सांप के काटे के तो लाइए भाई कुंडी पकड़ा देवा। यू था ना जी, इसने तो चक्कर बना दिए चक्कर, पहला तो गर्मी थी ही ना और गर्मी बना दी। और भाई वो एकदम मेरे गोड्डे पे भी काट सके, मैं अपना गोड्डा पाछा कर लूँ इसका ध्यान का पता की थी इसके, अगर वही है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मन मन लिखा हुआ कपड़े का नरबुड़का भर लिया मेरे गोड्डे पर। लो जी 5 दिन हो गए थे आज फिर देखा था भाई नहीं। और भाई अंदर जी, अंदर हाँ गाने गामा में तो भी किसी का फन ना लग जाए, किसी का सुन चुभ जाए, उसने देख कहा बोले तेरा कीड़ा मुँह लग गया, जूती फूका है और उसमें सिरसम का तेल बना मिला हुआ, रखा देख लिया दवाई बन गया ला लिया, दे दे 1100 रुपये, और आदमी ठीक नहीं होता। और भाई हाथ के चिपट सके आ जाओ भाई। और भाई दोस्तों यू मंच मिल रहा आप लोगों ने, सहयोग कर दे रहो, कमेंट कर दे रहो भाई किस किस गिल भी सी बनी। अगर जब सांप काट गया और झाड़ा लुआन गया और झाड़े वाले ने न्यू कहा कि भाई 11 दिन तक ना नहाइए और सिर्फ या तो घी पीना चाहे प्याज खाना, जिस किस गिल बनी हो तो कमेंट कर दियो भाई, क्योंकि झाड़े वाले नहीं फिर रोटी नहीं खाने देंगे। गिली नु कह दे डॉक्टर तय ना दिखाइए, डॉक्टर तय दिखा दिया तो चिंगर जाएगा फिर सांप का जहर ठीक नहीं होगा। आ जा भाई इसमें। और भाई आने वाले 1-2 साल में इन झाड़े वाले ने इन्हें जोन से पत्ते पुत्ते बंधवावे इन्हें बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि मार पर सारे आंकड़े रहा भाई कड़ा जाएगा कौन मरिया कौन। आ जा भाई इसमें आ जा। आ जा पहले बतेरे तंग करे तने और गर्मी हो रही है। एक जगह किसी का सांप काट जाए नी झाड़ा लुआने जावे वो आदमी थप्पड़ मारा है और थप्पड़ खाए का उल्टा चल पड़ना मुड़ के नहीं लखाना, थप्पड़ खाए तक जहर निकड़िया करे। न्यू नहीं तो न्यू आवेगा। आ जा भाई। और भाई ये देखांगे इसमें यू जाएगा कि ना जाएगा, गया बाहर गया कि भीतर हाथ तो लाना पड़ा, बस इसके ऊपर कपड़ा गिरा। अरे ला भाई लेकिन मैं हमने देखा कॉपी ना करियो भाई, कदे कोई सोचा कि सांप आपको बढ़ जाएगा, मरा तो तजुर्बा है
कदे कोई भाई नहीं सोचा कि जोड़ा इसके ऊपर गेर दिया थारा पड़ गया यू। और भाई इसने तो पसीने काट दिए। चलो भाई दोस्तों कैसे विचार लगे भाई, मारा उद्देश्य है कि सांप ने भी बचावा और लोगों ने भी बचावा। आज एक जानकारी और दे दूँ भाई, एक बहन का फोन आया था भाई सिस्टर का, उन्होंने कहा दी रोन लग गई कि मारे छोरे ने भाई हॉस्पिटल में ले जाया जा रहे सांप मार दिया। भाई 90% मामला में जब किसी का सांप काट जाए तो मारे का फायदा हुआ नुकसान नहीं होता। वह रोन लग रही थी किसी ने डरा दी अकीब तो सांप मार दिया, जड़ा सांप रुक गया जहर भी रुक गया, ठीक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मारता फोटो भेज जाए भाई, देखो इंसान की ज़्यादा कीमती जान है क्यों जी, सांप तो हम बचावे यहाँ पर इंसान की भी जान कीमती है। ज़्यादातर मामला में जब सांप लोग सांप का फोटो भेजा मारते ना तो हम देख दें जो नुका दें ना सांप तो जी बिना जहर का है आदमी राम है ठीक हो जाए हॉस्पिटल जाना जाना। और लेकिन अगर सांप जहर लो रहा हमने का जहर ही लाया तो भी फायदा हुआ है, उसका क्या फायदा हुआ है, अगर आदमी अगर घर बैठा होगा नहीं और लापरवाही कर रहा होगा टाइम खराब कर रहा होगा वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ेगा। हमने कहा देंगे नहीं कड़ा बैठा तू ही तो सांप जहर ला हॉस्पिटल में ले जाओ, अगला न्यू भी कहा कुछ नहीं होया माँ भाई 5-4 घंटे बाद भी हो सका है तो फिर उसका भी बड़ा फायदा भाई। तो ठीक है भाई दोस्तों ये मन अभी गर्मी लग रही है, बाकी जानकारी अगली वीडियो में देंगे थी। ठीक है अभी जय जवान जय किसान।